आज मैं दा व्लॉग ना लाला रमजान शुरू करें दा पे। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम भाई। आज दा व्लॉग शुरू करूं तो पहले सादे चैनल सब्सक्राइब करो, हाँ सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो क्योंकि हाँ मैं अपलोड अपलोड करे था इंशाल्लाह तो सभी सुन सो। हाँ अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल मलाना। उम्मीद करें तो सारे बेरा ठीक हो जाए। मीठा प्यारा व्लॉग शुरू कर तो पहले था सारे बेरा ने गुजारिश है कि मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब मार छोड़ाए। तो एक दूजी गल है भाई, इस व्लॉग दे इस महफिल दा पार्ट वन मैं अपलोड कर छोड़ा तो ये पार्ट टू है। तो मैं क्योंकि मैं जो ही से कर के दिन वो वाला व्लॉग लंबा थी ना पिया, हाले सा माहौल थोड़ा जहाँ रहा पिया है। तो मैं कि चलो इसका पार्ट टू कर के दिन दो व्लॉग बना वैसे। तो भाई रमजान स्टार्टिंग करें ना पिया तो सारे चैनल को ना लाजमी सब्सक्राइब कर छोड़ा। जो लाले गाने आग आग के ना अपने गले की ना तबाही पार्ट छोड़ियो साजी में ना, क्योंकि जिस टाइम बंदा गाना आता है ना तो जिगर एक दफा ना जिगोरे हल में जी जाए गोलाल बंदे इवें गल है ना। तो हूँ लाला तू सौंग आख ते हूँ तेरी गल आखने कैमरे के बीच आख रहे। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, मैं मोहम्मद रमजान कलूरी, आप भी रमजान खिदमत। कलूरी, हाँ अच्छा कलूर तो कलूरी। रमजान कलूरी थोड़ी खिदमत पेश होया सादा ते विलॉग अक्सादा विलॉग पार्ट वन जो अपलोड थी चुके, पार्ट टू एक पहला हिस्सा विलॉग द अपलोड थी चुके, दूजा हिस्सा पहला हिस्सा अपलोड दा थी चुके, थी चुका है। दूजा हिस्सा ये है। दूजा ऐसा सा शुरू करने लगे इंशाल्लाह मजा आसी, मजा आसी मजा ना आवे विवरण तो बात मजा ना आवे तो वाला दोबारा सुना दे। है वाला दोबारा सुना रहे सी। असा अपना कलियर थी माने बंदे है ना, हाँ हाँ असा हाँ रिजेक्ट थी माने बंदे ना। ये ठीक। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अच्छा मैंने गल सा ये तेरी जी आवाज़ है पहले तो पहले मैंने ये दसा व्यूअर आखिर भाई गाने गाने जो आखी वैंद तू दसा ना भाई मैं मिसाल है भाई शौक आई या मैंने किमें आई या तेरी यी आवाज़ बनी किमें है या ये दसा ना अपने व्यूअर ये थोड़ी भाई आप अपने जबान वाले सहसी भाई इन शौक या सब कुछ ने ये किमें किमें थी। हाँ जी ये अजकल के जड़े गवैया लोग हैं या मकसद कोई भी हैं, हाँ जितने हाँ गवैया नवा पोज आए पिए इन्हों की कोशिश होती भाई असा गाँव के सानू ना दुनिया अच्छा समझे सी जहरी। या हाँ जहरी सानू गल है। फॉलो करे सी दुनिया। हाँ लेकिन मैं दुनिया वास्ते ना गाया, तेरे को शौक मैंने नहीं, अपना शौक आई तेनों स्कूल ही तो ना गांधा या जिमें। स्कूल मैं पहली पढ़ता हम ना तो मैं शौक आई वो जो उस्ताद प्रिंसिपल होने प्रिंसिपल वो हाँ कोशिश करें भाई इन्होंने बच्चों की आवाज़ चेक करो, उन्होंने मेरी आवाज़ चेक की तो मेरी आवाज़ परफेक्ट थी गया उस टाइम। लेकिन इंटरनेट दौर नहीं उस टाइम ना सादा सिस्टम आई हाँ सर की माहौल उस एक दिन बार माहौल है, मैं उस तो बाद मैं अपनी शौक बना के दी। यार नहीं मैंने गल ये समझा हिता हूँ मैं बेतहाशा गाने सुने ठीक है इतने जो हाथ तो ज्यादा क्योंकि काम ये टिकटॉक पीसे तेरा कंप्यूटर पीसी बेतहाशा गाने पहन मैनू कोई गाना हाल तक ना याद नहीं थिया पक्का या हो सी कोई एक दू या त्रै लेना मसे आंदे हो सू तेरा मिसाल एक काम तेरा ये फेरी हाल है गाने तक को मुकम्मल मुकम्मल याद हूँ पहले तो व्लॉग ही जो गाने सुने सानू ठीक है कितने बड़े बड़े गाने हैं 7-8-8 मिनट ये याद करा तो तेरा क्या सिस्टम ये समझा। ये याद करा तो ये सिस्टम है जेडे गाने उन्होंने मैं एक लोग समझे भाई ये याद करना जिस गाने मैं याद करा तो गाने से ना याद करेगा, मैं इन्होंने याद करेगा मैं मजबूरी समझ के तो ये मेरी मजबूरी है गाना मैं याद करना ही करना है अच्छा इस वजह से याद करना। ये मैं सारा व्लॉग मजबूरी होंगे तेरे गाने जी। अच्छा नहीं तू जिस टाइम में मोटरसाइकिल चलाना वा दोनों फिर ही करें वा उस टाइम तू गाने याद करें वा दोनों उस टाइम मैं रियाज करें वादा गाने याद करके गाँव वादा उस टाइम सफर के लिए जो तैं पहले व्लॉग इंडिया का गाना सन सुना है ये मैं शाहरुख एक खान दफा सुनाई एक दा सुने उतना तो याद कर गए एक दफा सुने ते 2 महीने में याद की थे सुन कसम ही 2 महीने वाह सुना एक दफा है। यार उदी ते तर्ज किवें अजीब बना के उदे नाल तर्ज मिला के ते जिवें उना दे बैकग्राउंड ते गाना चलदा पियो ने। उदी तर्ज में इस वजह तो मिलाई है जो मैं आखे अगर उन खाली मैं आखा ना तो ता बात आम हाँ असा मतलब सिरे की लोगन समझ नहीं आनी ना आसिया ना सिरे के समझ आसी ना उर्दू समझ आसी बे आ गई तर समय था अक्सर ना वो समझ समझ वैसी बगैर वाकई गाना हुआ है गाना हुए हुए तें एक डाड़े मैंने पहली डाड़ सुनाया तो मैंने पता लग गया था गाना हुए ते। अच्छा हूँ कैसे सुने था पे स्टार्टिंग हूँ मैं थानू एक गजल सुने अच्छा पिया पढ़ा कितने तक का ये तो व्यूअर को पर दसा ना मैं दो दो दूजी छोड़ गया मैं दूजी चू दिमागी तवाज़ुन खराब चीज आए कहती गया है यार हल गया है मैं चोट लगी है दिमाग है ना ते ओ बावला थी गया है बावला थी गया यानी के चीज याद नहीं रहती। हाँ मतलब ये भाई जीवन हल गया है बात उतू वो डॉक्टर सिखाया बड़ा हरामी हो बेटा ये मैंने वीट लगी
ਤਲੇ ਬੈਠਾ ਕਿਤਾਬ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੇ ਬਾਲ ਫੈਂਕੀ ਹਨ ਸੀ ਸੇਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲ ਗਿਆ ਹੈ 5-6 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਸਿਰ ਨੱਠੀ ਆਈ ਤੋ ਸੀਲ ਲਾਈ ਮੁਕਮਲ ਦਿਖਾ ਵੀਰ ਇਹਦੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਇੰਟ ਆ ਪਈ ਇੰਟ ਸਮਝੇ ਸੋ ਸਿਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਉਹ ਲੱਗੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆਈ ਆ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆਈ ਕਿ ਡੇਢ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਬਾਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਤੂੰ ਆਦਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਏ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 4 ਸਾਲ ਬੜਾ ਇਸ ਲੋਕ 4-5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਾਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਪਹਿਤਨ ਇਤਨੇ ਗਾਣੇ ਯਾਦ ਹੀ ਇਤਨੇ ਤੈਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਰੈਕਸਲ ਕੀ ਤੋ ਇਹ ਤੇ ਵਤ ਉਹ ਡਾਕਟਰ 10 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਮੌਲਤ ਬੈ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਜਹਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੋੜ ਦੇ ਵਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਤੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟਾਟਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਦਲ ਚਲ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਸੀਨ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਟ ਲਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦਸੈਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਮ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਬਾਈ ਅਸਾਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣੇ ਸਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਵੈਂਦੇ ਬਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਮਸਲਾ ਬਾਵਣ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਗਾਣੇ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਬਈ ਛੋੜੋ ਤੁਸਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਆਦਾ ਬਈ ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਬੀਆ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਵੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਖੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਦਆਊਟ ਮੈਕ ਇੱਕਾ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਓਰਿਜਨਲ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਲਾਲਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੀ ਵਾਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਨਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਐਂਡ ਅਪ ਕਰ ਗਏ ਨੂੰ ਸੌਂਗ ਤੱਕ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਰਦੂ ਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸਿਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਨਿਤ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸਾਡਾ ਸੁਖ ਚੈਨ ਸ਼ਾਮ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਆਤੇ ਬਾਈ ਢਲਦੀ ਸ਼ਾਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਦਰਿਆ ਵੀ ਆਦੇ ਨਾ ਦਰਿਆ ਵੀ ਰੁਕ ਪੈਣੇ ਉਹਨੇ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ਾਮ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਰਿਆ ਹੀ ਰੁਕ ਪੈਣੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਲਾਵਤ ਅਸਾਂ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਰੇ ਸੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅਡੂ ਤਰਾਏ ਸੌਂਗ ਬਿਆ ਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਮ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਥਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਲੇ ਦੀਗਰ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਦਾ ਵਲੌਗ ਐਂਡ ਅਪ ਕਰ ਗਏ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁਲਾਏ ਬੈਠਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸਾਥ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਰੋ
शाह जी क्यों खड़ते हैं टाली तले? ए संगी बैठे आवाज अंदर माहौल चला पिया आवाज नहीं दो मिनट आना रोटी खाने पे इकट्ठे खा सुहा सैकल खड़ो तारा भी पहले मुंह तो दिखाना ये मेरा यार ही अच्छा ठीक है इन मिल भाई रूम ए ए हेलो शाह ये मैदा यार ही ए आला ते लाला रमजान ये मैदा यार ही अच्छा हाँ अच्छा शाह जी तू इतने बाहे वाले आराम सुकून अल ठीक है तो चेक कुछ उतरा ऐसा गाने सुने ने तो वाला ऐसा खाने पे रोटी कुछ धरती तू आ इकट्ठे खाने वर और मैं त्रै चार दफा शाह जी दरवाजा बंद कर मैं त्रै चार दफा व्लॉग स्टार्ट किया बीच ना यार कॉल आ गई क्योंकि मैं इस मोबाइल ने जी सिम पाई वादा वो सिर्फ अपना नेट कण पाई वादा इंटरनेट कण लेकिन पर्सनल बात ये नंबर मेरा ना ज्यादा बंदा को लगा गया तो जिस टाइम अक्सर ये थी ना मैं व्लॉग का शूट खींदा पियो ना तो कोई ना भी कॉल आ जाती है तो हूँ एमरजेंसी कॉल आ गई वो सुनी से तो शाह मेरे को आ गए शाह ठीक है तबीयत बिल्कुल ठीक है फिट है लाल तू कि सवाल किया तैं कि सवाल किया पता नहीं यार मैं जा रही हूँ हूँ हाँ गल ठीक है ये नहीं नहीं वो जल पे बांध हाँ जमीन का क्या था पे हाँ जमीन था इतने गल भूल क्यों पहन दियो नहीं नहीं वो मसला तो नहीं ध्यान था चलता पता हे ठीक है अच्छा हाँ चलो कर गई बदनाम ਗੱਲਾਂ ਵਧੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਏ ਨੀ ਕੰਡੇ ਮੈਂ ਉਹੇ ਵਧੀ ਚੁਣਦੀ ਸ਼ਾਹ ਡਾਂਸ ਦਾ ਕਰ ਜੀਓ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀਓ ਸ਼ਾਹ थोड़े हाथ में ही खड़े कर रहे थे जी आए जी आए ठुमकाला 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 ठुमका ठुमका ए इन जाला ठुमकाला इन जाला ए जी आए जबरदस्त इधर चास आंधी पे तो कमेंट इतना चास लाजमी लिख छोड़े अच्छा हूँ ਬੀਆ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੋ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕਰੂੰ ਤੋ ਆਖਰੀ ਗਾਣਾ ਇਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਯੋ ਕਿਹੜਾ ਤੈਂ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਮਿਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸਾ ਅੱਛਾ ਅਭੀ ਬਜਾਏਗਾ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਏ ਸ਼ਾਹੀਆ ਭਾਈ चल भाई शाह दी फरमाइश ते कोने इश्क का लगाना सुना भाई वाह वाह बेशा वाह यो सुनावने जन के शाह ने इश्क थी गए हां इश्क की वैसे आई तन्ना हो जेड़ा शाह तो लगा जेड़ा शाह तो लगा गए शाह चलो जी ओ नीनी प्यार भूली उर्दू जे कोई सरेकी सरेकी ए उर्दू ज उर्दू उर्दू हां उर्दू ले तकरीबन दो लेना हो दो त्राई लेना हो पढ़ने शाह तेरा मोटरसाइकिल किराए नहीं मंदा भैया टेंशन लगी इधर योरा घिना बात इधर वह मियत नहीं बुहे को खड़ा आचे शाह नू यार टेंशन लगी इधर मोटरसाइकिल साइकिल खड़े तब ऊपर आना अच्छा इब्न जन के उर्दू सुना दे मैं उर्दू सुना दे उर्दू वो कौन आ गई दुखी आशिक बैठे दुखी आशिक शादी कोने की थी ओ देखिन तू दो जमाता पढ़ा है हुन काफी चीज आए जेडे मैं भूल वेना जी में हुन थोड़ी वो सवाल मैं भूलना अच्छा कोई अक्सर गल भूल वेना अक्सर गल मैं भूल वेना कई से रखी है वो चावणी भूल वेना जा कह दी रात वदन थोड़े थोड़े कह दीती है वो घणी भूल वेना मोटरसाइकिल काफी दवा मैं बाजार सौदा घणा गिया मोटरसाइकिल दुकान ते खराब के मैं घर पैदल लगा गिया ए तेरी छोटे छोटे मिस्टेक हो वेन अच्छा हो वेन पता है यादी मावनी पोंदी
घर वाले पूछते हैं मोटरसाइकिल बात भाई ना पीछे दुकान देखिए घर। अच्छा वीवर ठीक है ऐसा ना वो दूजा यार क्या था हम भाई नु गाने तो बहुत ही गांदे हैं ते मैं नु आक्सा मैंने ते गाने सुने सी वंदा सुने सी वंदा सुने सी ते व्लॉग मेरे बेताशा लंबे थी से मैं ते तुसा गप लाओ ठीक है मैं घरु ठीक है ना शाह जी इते आ भाई हिटा ते गवा बैक वीवर आज वाला व्लॉग था ना सिंगिंग सारे आज वाले दोहा व्लॉग आने ये पार्ट 2 दी जी पार्ट 1 दे बीच ही। अच्छा यार हूँ ना थी गई शाम ना शाम ही भाई रात थी गई चंगी भली ते अंधारा घुप थी पिए ते मैं डरू आए भाई हूँ ये भी आ गया ते शाह भी है ना तो दुहाम नु रोटी खवा के भेजूँ क्योंकि एक जमींदार एक जट घर तो ना एक शाम एक बंदा एक मेहमान भूखा वल वे ना तो एक बहु ठीक माड़ी गल होंगी है भाई मजा आया तो पता करें ना भाई घर कैसे बनी पई है एडजस्टमेंट थोड़ी कर गिनू सालन का तो वला के ना अगर इतने घर कुछ ना बनी पे तो मैं ना बाजारों जूँ होटल तो आज कितना घिना सूँ लेकिन तू पता करे ना घर कुछ है तो ठीक है ना तो सालन इन्हों रोटी ना खवा के भेजना खाली ना कुने भेजना क्योंकि ये मैं आधा बैठे रमजान सिंगर नहीं यार असा रोटी नहीं खाते लेकिन मैं जोर दी खाना था रोटी तो इन्हें दुआ खवा के भेजूँ देखें घर ना कैसे बनी पई है। A few moments later, मेहमान मेरे वेंदे पे ठीक हो गया ते रात ही चंगी भली थी गई है ते हाल ए खास सर्दी पई कोई नहीं धुंध कोई नहीं लेकिन नॉर्मल सर्दी है एडी खास है कोई ना ते शाह यार ही वेंदा पी है सवेरे चक्कर ले सी मार हां 11-12 बजे निकला मैं बात ते लाला रमजान रमजान सिंगा साहब व्यूअर माहौल तो चंगा रहते ठीक है ते कह ले इसको ना ते कह सोए कह ले ठीक मेरे को लो एक रात भान रमजान हाँ तू ते शाह ही होवे क्या लेना हाँ। माहौल बने सुना है हाँ। हलवाई बने सु गाप शब ले सू ठीक हो गया अल्लाह खैर करे बात सवेरे गाप ले सू ठीक हो गया भाई रमजान किधर गयो ठीक हो गया अल्लाह पाक तेन खुश रखे आबाद रखे या माहौल चंगा दिते सवेरे इंशाल्लाह गाप ले सू असा दे ते दोस्त खुश रहन सादी खैर हाय हाय ठीक हो गया ओके अल्लाह ई ई दे के सीने वाला शाही इश्क दा मार रहे हो हां ते ए ए ए दे एक सटैल बड़ा है सटैल है लाला सर्दी बहु या सटैल नु परे कर सटैल तले वदरा भी उते बंद कर ते जीपी दे ए ए दे पागे हर शब बंद हां ते मोबाइल हां रख से नहीं उनु सेट डाल जेब पे ये लाइट दी बाद वैसे होने हां क्योंकि मोटरसाइकिल लाइट को नहीं आते मोटरसाइकिल दी लाइट कौन है। अच्छा मैं तो हाले टाइम और टाइम धुन तो पहले ना ना निकल ये सो दे मैं मशवरा दे मैं कह तू टाइम लाल करा लाला ठीक है तू टाइम ना टोरा कर ते आई बे टाइम है टाइम बदन ठीक है ना भाई कौन यार अल्लाह माफी करे ना चोर चक्की तो हट के ना धुंध थी वेंदी गड़ी ना गड़ी लग वेंदी अल्लाह ताला माफ करे लाला सवेरे तू मैं कॉल करे से कॉल में करे से चाहे कह नंबर तू होवे मैं कॉल करे से मैं घर हो सा बाद मुलाकात करे ने हां तू तकरीबन 11-12 बजे तू आवड़े हां तू मैं कॉल करे से यार बियाने बाद मैं कहीं बिजी हो सा ना मैं आ बोल जिथे हो सा ओके ओके। अच्छा व्यूअर मेहमान गए मैं भी ठीक हो गया जी यार मैं देखिए पर्सनल काम में मैं उठा कर गया ना ठीक है तो बाकी चाहूँ जी थोड़ी सफाई भी करें तो अज व्लॉग के थी एंड करें तो पार्ट 1 देख गिना है उसी बहुत जबरदस्त गाने आने पार्ट 2 आई तो उम्मीद करें अज वाला व्लॉग तक चंगा लगे अगर चंगा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर छोड़ा वीडियो को लाइक मार छोड़ा इंशाल्लाह मुलाकात करो अगले व्लॉग के बीच आला हाफिज़।